Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो भाई आज के सीन्स और सिचुएशंस कुछ ऐसे थे कि सुबह जुम्मा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मौली साहब हैं और क्या, जुम्मा पढ़ा, उसके बाद फिर मैं चला गया था अपने सिटी, और सिटी जाने में दोस्तों के साथ मिला, शान के साथ और खालिद के साथ, तो फिर वहाँ मैंने खाया अंडे वाला बर्गर, चाय भी, और दोस्तों के साथ तो आपको पता है कि वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, तो जुम्मे की बात किया था और अभी लौटा हूँ मगरिब के बाद। सो वापस जब आ रहा था बाइक पे तो कुछ सामान, मतलब चीज़ें थी घर की वो लेके आया, ग्रोसरी वगैरह, और कुछ अपनी चीज़ें थी वो लेके आया, क्योंकि कल इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट पकड़ कर कराची कॉलेज, वापस कॉलेज खुल रहे हैं मंडे से, तो फिर उनको भी तो टाइम देना है भाई। अभी स्टडीज़ का जोन आ चुका है, छुट्टियाँ बहुत इंजॉय कर ली, दो हफ्ते पूरी छुट्टियाँ थी वो इंजॉय कर ली हमने, और अभी मेरे ख्याल से कि अगला व्लॉग आपको मैं कराची में ही बनाऊँगा। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये रूम, मेरा रूम, तो इस रूम में नहीं बनेगा अगला व्लॉग, उधर जिसमें पहले बनाता था शायद उसमें बने या किधर और बने। तो भाई बात दरअसल ये कि दोस्तों के साथ बंदा घुमा करे, क्योंकि फ्री की चाय मिल जाती है, शान आज शान के घर पे भी चाय पी, और जब वहाँ पे दूसरी जगह गए थे चाय पीने तो फिर भी शान नहीं पिलाई हमें चाय। तो भाई यार कुछ और बंदा बोल रहता है, ऐसे ही सोच रहे होंगे आप, तो भाई मैं क्या सोचूं, और चलो फिर आप अंडे वाला बर्गर ज़रा देखो, मैं आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, और पहले आपको बता दूँ अभी मैं जा रहा हूँ पका चांद अपने सिटी में, इधर ही करीब में सिटी एक, और भाई जैकेट आपने देखी नहीं, देखी देख लो भाई, नई जैकेट ले लिए, चेयर नहीं आ रही क्योंकि अभी फिक्स किया हुआ है बाइक पे। ठीक है, फिर मिलते हैं, अभी बाइक चालू नहीं होगी क्योंकि सर्दियाँ हैं और मेरी गर्दन नहीं आ रही, सर्दियाँ हैं एक तो, दूसरी ये बाइक ठंडी होगी, देखते होगी तब बोल। अरे मैं तो भूल गया, आपको भी तो उठाना है, रुक जाओ चलो। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज रात को एडिट करूंगा और रात को ही अपलोड करूंगा, लेकिन अभी छोटा हो जाएगा बहुत, नहीं 2-3 मिनट नहीं होगा, तो कल फील्ड्स की वीडियो आपको इसमें ऐड करूंगा, और फिर जो कल बोलना हुआ अगर मैं चला गया हैदराबाद तो फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग हैदराबाद में कर लूँगा, और कुछ आपको सफ़र रास्ता वगैरह दिखा दूँगा भाई। लेकिन एक बात, आपका भाई प्लेटिनम में आ चुका है पबजी में, और चलो फिर मिलते हैं कल फील्ड्स में, बाय। यार एक बात है, अगर कैमरा मैन हो ना कोई और ही मज़ा है, अभी देखो इधर से स्टॉप करूँ फिर हाथ उधर करके वो करूँ, और एडिटिंग तो अभी सीख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी, दुआ करो बस आप। आपको कल ना, बल्कि इसी व्लॉग में मैं कल शूट करूँगा अपने गांव की फील्ड्स, तो इसी व्लॉग में आपको फिर एड करके वो भी दिखा दूँगा, इस वीडियो के बाद जो अभी शूट करो, इस वीडियो के बाद आप वो देखेंगे फील्ड्स, और उसके बाद फिर जो आपको मैं बोलूँगा वो देखेंगे। ठीक है, फिर कल तक के लिए आज सोऊँगा रात को, और क्या। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ये व्लॉग तो शूट हुआ था, क्या कहते हैं, उधर ही घर पे मैं था, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ अपने फील्ड्स पे, लेकिन यार ये पीछे ना थोड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए, इसलिए फिर दूसरी जगह पे चलते हैं, चलो फिर।
यस, तो आ चुके हैं हम इधर ग्रीनरी चली, और ये वीट की आई गेस, हाँ वीट की जो है ये फसल अभी जनवरी में, मतलब ये होगी मार्च में आई गेस, तो पूरी कल्टीवेट मार्च में होगी। और बाकी ये बात कि कल हम जा रहे हैं वापस कराची, क्योंकि मंडे से हमारे क्या कहते हैं शुरू हैं क्लासेस, और अभी कज़न वालों के साथ आया हुआ था ऐसे ही घूमने, तो कज़न ने एक ली थी एयर गन जिसको बोलते हैं आई गेस, तो उसके हम मतलब टारगेट चेक करें कि कितने दूर तक मार करेगी वो या नहीं करेगी, लेकिन आपको दिखा इसलिए मैं नहीं सकता क्योंकि फिर आई डोंट नो अगर यूट्यूब वालों का बैन हो वट एवर हो सकता है। बाकी आपको शो कर दूंगा वीडियो में वो कौन सी है, बाकी टारगेट आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर हो सका तो मैं आपको दिखा दूंगा कि टारगेट आपने भाई आपके भाई ने भी टारगेट मारे हैं, ऐसी बात नहीं है आपके भाई को टारगेट मारने आते हैं। तो रही बात ये कि बस फिर कल अभी कराची में मिलते हैं, फिर से मैं वापस आ गया इसलिए क्योंकि आपको एक राउंड अबाउट दिखा दूँ फील्ड्स का। सॉरी यार, और चलो ठीक है फिर, अभी अगर मैं टारगेट की वीडियो भर सका, शूट कर सका और फिर अपलोड कर सका तो आपको आपको देखने में ज़रूर मिलेगी। ठीक है फिर, मैं ફુંડિયા ભજાયા ગાડી માં ખબર ને કોણ દા ભાઈ મેળે તો કરાય મેળે તો કરાય ઓના સોનો ગેમ ઓવર